Hello students, in the last video we have studied the basics of control system. We have started with the analysis of system, then we have studied the basic block diagram of control system, then we have calculated the transfer function of open loop system as well as closed loop system. In today's video, we will study the basic difference between open loop system and closed loop system. Okay, so first difference is in transfer function, जो हमने last class में derive किया था. Open loop का जो transfer function होता है, वो होता है आपका GS into HS, okay? And जो closed loop का आपका transfer function होता है, वो होता है आपका GS upon 1 plus GS into HS, okay? मैंने यहाँ पर positive sign क्यों लिया है? Because I am considering the negative feedback. हमने last class में पढ़ा था, अगर आप negative feedback consider करते हैं, तो यहां पर आपका साइन क्या आता है प्लस और अगर आप पॉजिटिव फीडबैक कंसीडर करते हैं तो यहां आपका साइन होता है माइनस. ओके, नाउ यहां ट्रांसफर फंक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि जो आपका क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम होता है, जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम होता है, उसमें जो आप एच की वैल्यू यूज करते हैं विच इज कॉल्ड फीडबैक, वो स्टैंडर्ड जो फीडबैक यूज किया जाता है वो एच एस इज इक्वल टू वन यूज किया जाता है. ओके, सो जनरली आप देखेंगे जो भी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, वहां पर हमेशा लिखा होगा आपके लिए यूनिटी नेगेटिव फीडबैक. दैट मींस उसकी मीनिंग क्या है आपकी, उसकी मीनिंग ये है कि नेगेटिव फीडबैक रहेगा, दैट मींस साइन इज प्लस रहेगा और जो फीडबैक एचएस की जो वैल्यू है वो हमेशा वन होगी. ओके, सो ये आपका स्टैंडर्ड है, तो ये आपको माइंड में रखना है स्टार्टिंग से ही सब्जेक्ट के. ओके, नाउ और मैं आगे के जो डिफरेंसेस है वो एचएस को वन लेकर ही कंसीडर करूंगा. ओके, नाउ सेकेंड डिफरेंस इज जो आपका ओपन लूप सिस्टम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिकर्सिव सिस्टम, और आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं मेमोरी लेस सिस्टम. मेमोरी लेस सिस्टम होता है आपका ओपन लूप. सेम जो आपका क्लोज लूप होता है, इट इज योर रिकर्सिव सिस्टम, और सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं मेमोरी फुल सिस्टम. ओके, so closed loop is memory full because there is a feedback and open loop is memory less because feedback is not connected. Feedback is present but it is not connected. Okay, now next difference is open loop systems are generally stable. क्या होते हैं आपके, stable generally, and जो closed loop system होते हैं आपके वो जनरली आपके कंडीशनल स्टेबल होते हैं. कंडीशनली स्टेबल, ओके, मतलब किसी एक कंडीशन के लिए वो स्टेबल होंगे, अदर कंडीशन के लिए वो स्टेबल नहीं होंगे. ओके, बेसिकली क्लोज लूप सिस्टम में आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना, कि अगर आपका सिस्टम कोई अनस्टेबल भी है तो यू कैन मेक देम स्टेबल, ओके, बाय अप्लाइंग द कंडीशंस. बट ओपन लूप में जनरली वो स्टेबल होते हैं, बट अगर ओपन लूप सिस्टम अनस्टेबल है तो कोई तरीका नहीं है उसे कंट्रोल करने का. ओके, वो अगर अनस्टेबल है तो फिर वो अनस्टेबल ही रहेंगे, लेकिन जनरली वो क्या होते हैं आपके, स्टेबल होते हैं. ओके, नाउ जो आपका नेक्स्ट डिफरेंस है ओपन लूप एंड क्लोज लूप में, वो ये है कि ओपन लूप सिस्टम्स के जो गेन होते हैं वो बहुत हाई होते हैं. जैसे अगर आप ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन देखें विथ एच एस इज इक्वल टू वन, तो ट्रांसफर फंक्शन होता है जीएस. ओके, और जो क्लोज लूप सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, जीएस अपॉन वन प्लस जीएस विथ एच एस इज इक्वल टू वन, ठीक है ना. ट्रांसफर फंक्शन दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट, गेन भी आपका क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट. तो आप यहां से एक एनालिसिस कर सकते हैं कि आप देखेंगे जो ओपन लूप है उसमें आपका गेन या जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या है, सिर्फ जी है, लेकिन क्लोज लूप में क्या है, जी अपॉन वन प्लस जी है विथ नेगेटिव फीडबैक. इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग ये है कि जो ओपन लूप का जो गेन है आपका वो क्या है, आपका हाई है, और जो क्लोज लूप विद नेगेटिव फीडबैक है उसका जो गेन है आपका क्या है, लो है एज कंपेयर टू ओपन लूप. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ओपन लूप सिस्टम की जो बैंडविड्थ होती है आपकी, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी लेस होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं गेन बैंडविड्थ जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है. अगर गेन आपका हाई है तो बैंडविड्थ आपकी क्या होगी, लेस होगी.
और सेम आपकी जो क्लोज लूप है उसपे जो आपकी बैंडविथ है वो आपकी क्या होती है, हाई होती है. ओके सो जहां पर आपको हाई बैंडविथ की रिक्वायरमेंट है वहां पर आप क्लोज लूप की तरफ जाएंगे. ओके नाउ जो आपका नेक्स्ट डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, जो ओपन लूप सिस्टम है वो जनरली आपके लेस एक्यूरेट होते हैं, लेस एक्यूरेट, और जो क्लोज लूप सिस्टम है वो जनरली आपके मोर एक्यूरेट होते हैं. इसीलिए जो आउटपुट कैलकुलेशन के लिए जनरली हम लोग क्लोज लूप सिस्टम का यूज करते हैं एज कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम्स. ओके तो मेजरमेंट ऑफ अगर आपको आउटपुट करना है तो यू विल गो फॉर क्लोज लूप सिस्टम. ओके और नेक्स्ट डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, सो जो आपका टाइम होता है टू रीच द स्टेबिलिटी वो आपका ओपन लूप में ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू क्लोज लूप. क्लोज लूप में द टाइम टू रीच द स्टेबिलिटी इज लेस, मीन्स द टाइम टू रीच द स्टडी स्टेट इज लेस व्हेन यू टेकन द नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम. ओके ये क्यों लेस होता है आपका, क्योंकि आप यहां से भी समझ सकते हैं कि जो आपकी क्लोज लूप होता है उसमें आपकी बैंडविड्थ क्या होती है, हाई होती है. तो ऑब्वियसली बात, अगर बैंडविड्थ हाई है तो टाइम क्या होगा आपका, लेस होगा. ओके सो अगर आप जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको कौन सा सिस्टम यूज करना होता है, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम आपको यूज करना होगा. ओके सो ये आपके कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम. एंड क्लोज लूप में हमने किसे कंसीडर किया है, नेगेटिव फीडबैक को. ठीक है, हम थ्रू आउट द सिलेबस मैक्सिमम टाइम नेगेटिव फीडबैक ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि आप यहां से देख सकते हैं कि इसे स्टेबिलिटी तक पहुंचने में सबसे कम टाइम लगता है. ओके लॉजिक क्लियर है यहां तक. नाउ नेक्स्ट, अगर मैं इसी बेसिक ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम जो हमने स्टडी किया है उस पर अगर सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल कंसिडर करूं, सपोज करिए मैं सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूं आप लोगों के लिए. सपोज करिए मुझे एक क्लोज लूप सिस्टम गिवन है विथ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है. ओके दिस इज माय क्लोज लूप सिस्टम s प्लस 6 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9s प्लस 15, और मुझे गिवन है कि ये यूनिटी नेगेटिव फीडबैक को फॉलो कर रहा है. ओके सो यहां पर मुझे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिटरमाइन द ओपन लूप सिस्टम एंड ओपन लूप डीसी गेन, दैट इज OLTF, ओपन लूप सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, एंड सेकेंड इज ओपन लूप डीसी गेन. ये दो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं. ओके सो अगर मैं इसका सॉल्यूशन पार्ट देखूं तो हमें पता है कि हमें क्लोज लूप सिस्टम दिया गया है विथ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, दैट मीन्स हमें जो ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है जी अपॉन 1+G. ओके आप देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में कि अगर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक हो तो एच की वैल्यू 1 होगी और यहां साइन क्या आएगा आपका, प्लस आएगा. ओके तो मुझे इसे कंपेयर करना है एस प्लस 6 एस स्क्वायर प्लस 9s प्लस 15. ओके सो यहां पर मैं सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं जिससे मुझे जी कैलकुलेट हो जाएगा. और यहां पर जी क्या है आपका, अगर आपकी एच की वैल्यू 1 है तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है आपका जी एच, तो जी क्या है आपका, एक तरह से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ही है. ओके सो क्या हो जाएगा आपका, जी इंटू एस स्क्वायर प्लस 9s प्लस 15 इज इक्वल टू 1+G इंटू एस प्लस 6. ओके सो अगर मैं यहां पर कैलकुलेशन कंप्लीट करूं तो यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर आपका एक जी है, एस प्लस 6 से मल्टीप्लाई है तो यहां पर आपका आ जाएगा, अगर आप जी कॉमन ले लें, एस स्क्वायर एस प्लस 6 यहां आके क्या हो जाएगा, माइनस. ओके सो ये कितना हो जाएगा आपका 8s. ओके और यहां पर 15 माइनस 6 9, और यहां पर आपका क्या रिमेनिंग रहेगा, एस प्लस 6. ओके सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जी का एस प्लस 6 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 9. ओके एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 9. नाउ इस ट्रांसफर फंक्शन को हमने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया. नाउ अगर मैं फिर से क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को कंसीडर करूं जो कि था मेरा जी अपॉन 1+G इज इक्वल टू एस प्लस 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9s प्लस 15, हमें यहां पर कैलकुलेट करना था जी, तो क्या ये दो स्टेप करने जरूरी थे, क्या हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे,
क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप 10 टू 15 सेकंड भी सेव कर पाए तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप यहां पर ध्यान से देखिए, आपको g अपॉन 1 प्लस g गिवन है और आपको इससे g बनाना था, तो अगर आप डिनोमिनेटर में माइनस g कर दें तो माइनस g प्लस g क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपका आंसर सिर्फ क्या रह जाएगा, g रह जाएगा। लॉजिक क्लियर है ना, g अपॉन 1 प्लस g माइनस g, तो g g कैंसिल, g अपॉन 1 इज इक्वल टू g। तो इसका क्या मीनिंग है कि अगर आप न्यूमरेटर को सेम रहने दें और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर दें, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस 9s प्लस 15 माइनस एस माइनस 6, ओके, विच इज एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 9। क्या ये हमारा सेम आया आंसर? यस, एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 9। तो आज से हमें क्या याद रखना है कि अगर आपको यूनिटी नेगेटिव फीडबैक के साथ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है जी अपॉन 1 प्लस जी, और अगर आपको ओपन लूप क्रिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर विल रिमेन सेम एंड डिनोमिनेटर विल बी डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यहां से क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो ये आपका एक सिंपल सा एग्जांपल था आपको ये समझाने के लिए कि हाउ टू कन्वर्ट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इंटू ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन व्हेन यूनिटी नेगेटिव फीडबैक इज गिवन। वन मोर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं यहां पर, उसके पहले हम चाहें तो एक और क्वेश्चन था यहां पर जो हम क्लियर कर सकते हैं, वो था आपका ओपन लूप डीसी गेन। ओपन लूप डीसी गेन में गेन, जैसा मैंने आपको लास्ट टू स्लाइड्स पहले बताया है कि गेन मीन्स ट्रांसफर फंक्शन ही होता है, तो ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या है, एस प्लस 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 9। अगर मैं यहां पर डीसी गेन कैलकुलेट करने के लिए एस की वैल्यू 0 पुट कर दूं, क्योंकि हमें पता है s इक्वल टू जे ओमेगा, डीसी मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो मीन्स s इक्वल टू जीरो, सो डीसी गेन जो है आपका वो कितना हो जाएगा, डीसी गेन इज इक्वल टू 6 अपॉन 9। ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें यहां पर, डीसी गेन मतलब s इक्वल टू जीरो। सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, आपको एक आउटपुट दिया हुआ है, रिस्पॉन्स दिया हुआ है माइनस टी e की पावर माइनस टी प्लस 2e की पावर माइनस टी, ओके, और बोल रहा है आपको ये जो रिस्पॉन्स है वो यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स है, यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स, ओके, ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक आपको गिवन है, अगेन यूनिटी फीडबैक सिस्टम आपको गिवन है, ओके, एंड आपको ये भी गिवन है कि नेगेटिव फीडबैक है, ओके, नेगेटिव फीडबैक, एंड सिस्टम इज क्लोज लूप सिस्टम, इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो आपसे पूछा क्या है यहां पर, आपसे पूछा है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज अगेन जी हो जाएगा आपका, ओके, तो आपको जी कैलकुलेट करना है फिर से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करूं, तो हमें चूंकि ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो हम क्लोज लूप में भी पहले ट्रांसफर फंक्शन ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपका जो CS है, अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं यहां पर, तो हमें पता है कि e की पावर माइनस टी का लाप्लास क्या होता है आपका, e की पावर माइनस टी का लाप्लास आपका होता है 1 अपॉन s प्लस 1, ओके, सो आपका कितना हो जाएगा ये 2 अपॉन s प्लस 1, ओके, हम ये भी पता है कि t इंटू e की पावर माइनस टी का लाप्लास क्या होता है, जब भी t से मल्टीप्लाई होता है नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर आपका स्क्वायर, सो s प्लस 1 का स्क्वायर, ओके, सो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर, ओके, जो बेसिक लाप्लास फॉर्मुलेज है मैं आपको साइड बाय साइड बताते चलूंगा, लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए पहले से, हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, हमारे गेट और आईएएस के सिलेबस के लिए हमें बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद होने चाहिए, लाइक साइन का, लाइक कॉस का, like e की पावर माइनस एटी यूटी का, ये सब हमें पता होने चाहिए, ओके, सो यहां पर हमें पता है कि जो आरएस है वो आपका 1 है, क्योंकि आपका जो इनपुट है वो क्या है, इंपल्स है, यहां पर लिखा भी हुआ है यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स, और हम पहले से भी जानते हैं कि जो यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, आपका सिस्टम ही होता है, तो अगर आपने यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया है, दैट मींस आपने ट्रांसफर फंक्शन ही कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है ना, तो हम लोग अगर यहां पर एलसीएम ले ले
तो ये कितना हो जाएगा एस प्लस वन का स्क्वायर, और यहां पर कितना हो जाएगा आपका टू इंटू एस प्लस वन माइनस वन. ओके, सो ये आपका कितना आ जाएगा आंसर, ये आंसर आ जाएगा आपका 2s, ओके, प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर. ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें अब इससे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है. यहां पर हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्रिएट हुआ है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, अगेन आप कंपेयर कर देंगे g अपॉन 1 प्लस g से, तो हमारा आंसर क्या आया है 2s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर. ओके, अब आपको रूल पता है और आप सिंपली कह सकते हैं आपको ट्रिक पता है, क्या करना है आपको g निकालने के लिए, न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर. तो मैं क्या करता हूं, इस a प्लस b के होल स्क्वायर को ओपन कर देता हूं, तो क्या होगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 माइनस 2s माइनस 1 डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर. तो ये आपका कैलकुलेट हो गया यहां पर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. ओके, तो ये आपका बिल्कुल बेसिक चीजें थी, व्हाट इज ओपन लूप, व्हाट इज क्लोज लूप. ठीक है, तो ये आपका बेसिक पार्ट यहां पर फिनिश होता है. ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम को किस तरह से रिड्यूस किया जाता है उसके मेथड्स हम पढ़ेंगे, उसके रूल्स पढ़ेंगे. देर आर 8 to 9 रूल्स. ओके, सो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट कर सकते हैं. ओके, गुड बाय.